डीएम साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो भी कागज पत्र हमारे पास आ रहे हैं वो प्रूफ के साथ नहीं आ रहे हैं, हम पे रिकॉर्ड नहीं है, जो कि रिकॉर्ड पुलिस अभी रक्षा में है। उसके बावजूद भी जो जो रिकॉर्ड की उन्हें आवश्यकता थी हम वो सारे रिकॉर्ड उनके लेकर के पहुंचे, आज भी पहुंचे, पहले भी दिया है। वो ये संज्ञान ले रहे हैं कि हम पेमेंट देना चाहते हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं कि कितना वेतन दिया जाए, जबकि संवैधानिक पद पर विराजमान एसडीएम साहब हैं। इनको पता होना चाहिए कि शासनादेश नेट पर पड़े होते हैं, आप तारीख डालिए, उन तारीखों के नेट पर मिल जाएंगे, उसका वेतनमान भी मिल जाएगा और उस वेतनमान का प्रूफ भी हमने दिया है। 2017 में इनको जो वेतन दिया गया था वो प्रूफ है, उसमें सभी आला अधिकारी जो भी सिस्टम में हैं, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, कोषाधिकारी, यहाँ तक ईओ, चेयरमैन, सबके साइन है। जब आप इतना प्रूफ है उस वेतनमान के निर्धारण करने का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरा ये कह रहे हैं कि चेयरमैन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने कहा कि आप अपने हिस्से का तो काम कीजिए, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, अगर चेयरमैन उस काम को नहीं सुनती हैं फिर हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, रोड जाम फिर हम उनके लिए करेंगे, उनके लिए नारेबाजी करें, उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं। अभी गेंद आपके पाले में है, आप अपने स्तर का काम करिए। हमने आज ये कह करके आए, उन्होंने कहा कि आप हो सके तो हमारे कहने से धरना बंद कर दीजिए। हमने कहा आप लिख करके दे दीजिए धरने को। बोले मैं कह तो रहा हूँ, वीडियो बन रही है, फोटो खींच रहा है, सब कुछ, मैंने कई अंधा कानून है लिखे से जानता है, आप हमें लिख करके दीजिए। अभी 2 बजे वो पुनः हमारे यहाँ धरने स्थल पर आने वाले, जबकि उन्होंने कल शाम को कहा था कि सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक हम लोग नोडल अधिकारी के साथ धरने स्थल पर आएंगे, जो कि वादा खिलाफी की, और यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो हमें फिर मजबूरन में हमें कुछ लोगों को लेकर के तहसील के अंदर जाना पड़ा, वहाँ पे हमने अस्थायी धरना भी दे दिया बैठ करके। इस समस्या को लेकर आप चेयरमैन साहिबा से बात की? चेयरमैन लोगों से बात हो रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि पहले प्रपोजल तो यहाँ से आना चाहिए शासन की तरफ से। जब प्रशासन सॉरी जब अधिकारी अधिशासी अधिकारी है, ये कोई इन कर्मचारियों की लेकर के पहुंचे कि इतना ये वेतन निकलना है, ये वेतन निकलना है, इस पे आप साइन कर दीजिए, तभी तो वो लोग साइन करेंगे। उनको पता ही नहीं है, वो बार बार यहाँ पे भी फोर्स कर रहे हैं कि आप इनका वेतन निर्धारण करके प्रपोजल तो लाइए हमारे पास, हम साइन कर देते हैं। और बजट पहले से तैयार, उन्होंने 15 अक्टूबर में एक लेटर भी वहां से जारी किया गया था कि इनको दीपावली पूर्व वेतन दे दिया जाए। ये सैला ताहिर की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से हुआ था, और उसी दरमियान एक लेटर और उन्होंने भेजा था कि कुछ कर्मचारियों के पटल बदले जाने के। इन्होंने कर्मचारियों के पटल तो बदल दिए, मगर उस आदेश को नहीं मान रहा जिस आदेश से तनखा निकलनी है। आखिर ये दो मुहे वाला और ये इस तरह का काम ये लोग क्यों कर रहे हैं? प्रशासन रुचि नहीं ले रहा, प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि हाँ ये भाई को समर्थन है मेरा, अपनी बहुजन समाज को समर्थन है मेरा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, क्या करना चाहेंगे? इसमें समर्थन दे रखा है, जाहिर सी बात है समाधान इसलिए नहीं हो रहा है। भाई ने इस प्रकार से बताया कि प्रशासन जो है दबाव में है और किसी और की चोट किसी और पर मारी जा रही है, ये सीधा बिल्कुल सही है, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। और अगर अब भी जब कहते हैं ना आदमी जब परेशान हो जाता है तो कोई ना कोई नीति अपनाता है, करो और मरो की नीति अपनाने को हम तैयार बैठे हुए हैं। प्रशासन को ऑलरेडी 12 दिन का टाइम दे चुके हैं और 4 दिन का टाइम और दे दिया है कि अगर बुधवार तक इनकी मांगों को जब पूरा नहीं किया गया या फिर कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो भीम आर्मी भारत जो बरेली के और भी संगठन हैं, जितने भी भोजन संगठन हैं, वो आकर के नगर पालिका परिषद में तालाबंदी करने को तैयार हैं।